सो गाइस, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मेरे पास है पॉलिशिंग। आज हम प्लैटिना का जो टैंक का स्क्रैच है वो रिमूव करने की ट्राई करेंगे, और मेरे मैंने प्रॉमिस कर दिया कि पॉलिशिंग का मैं वीडियो लाऊंगा। तो हियर इट इज़ गाइस, मेरे पास है रबिंग कंपाउंड वॉक्सपॉल का। बहुत से लोग करते हैं कि इससे आपका स्क्रैचेस चले जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम पैक करके देखेंगे। उसके लिए आपको ये वाला किट परचेस करना पड़ेगा। इसका डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक दे रहा हूँ। लगभग 400-450 रुपीज़ के अंदर आ जाता है, 350 रुपीज़ के अंदर। तो इसमें इसके अंदर है आपका ये वाला एक चीज़। इस पर हम पॉलिशिंग करेंगे। इसमें ड्रिल बिट्स लगता है, ड्रिल में आप लगा के, और इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है। ये दो चार पैडिंग है। मैंने एक्चुअली दो दो कॉम्बो परचेस किया है, मतलब ऐसा टाइप का आपको दो क्वार्टर मिलेगा ये वाला, और प्लेन वाला आपको दो मिलेगा, ठीक है। तो इस पर इसको कैसे रैबिंग करते हैं, और मेन जो काम है वो इसका है। इसमें आपको ये 3 इंच का है, 4 इंच का नहीं है, 3 इंच का है। तो ये इसमें लग जाएगा, और ये बिल्कुल उल का है। फिर तो मैं आपको अगर दिखाऊँ ना, तो देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे हम रबिंग करेंगे। तो पहले हम आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने ये परचेस कर लिया है तो बहुत बहुत बढ़िया होगा। अदरवाइज़ आपको जो घर पे आप कर सकते हो ना हाथ से, वो भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ड्रिल बिट में लगाएंगे। आपको इसके पास ड्रिल होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये वाला चीज़ है तो आप ड्रिल कर सकते हो। मैं एक्चुअली इससे भी प्रो लेवल का करना चाहता था, कि मेरे पास जो पॉलिशिंग मशीन आता ओरिजिनली, बट मेरे पास सैडली वो अवेलेबल है नहीं अभी। तो इसमें हम ड्रिल बिट से, एडजस्टेबल ड्रिल है, इसमें स्पीड वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इससे हम काम में लेने वाले हैं, और इस टैंक को स्क्रैच रिमूव करके आपको दिखाएंगे। मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। और इसको हमने नॉर्मल टाइट कर दीजिए, तो ये रेडी है। अब हम इसका पावर देंगे, और कैसे अप्लाई करते हैं ये वाला कंपाउंड, इसको ओपन करके दिखाऊंगा। इसका प्राइस है लगभग 170 रुपीज़, 500 ग्राम का ये पाउच है, 500 ग्राम्स। तो बहुत बहुत चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसका पावर दिया, तो देखो इस तरीके से आपका मतलब धीरे 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 आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा स्पीड में करोगे तो होगा नहीं। सो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगर दिखाऊंगा इसका हालत क्या। देखो पहले आप इसका हालत देख लो। देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसका इसका टैंक क्वालिटी बहुत ख़राब है, और देखो हालत बहुत ख़राब है टैंक का। और दूर से ना क्या डाल लगता है, जगह आप इसको पॉलिशिंग वगैरह कर दोगे ना तो ठीक हो जाएगा, बट 5-6 दिन 7 दिन के बाद फिर से वही सेम कंडीशन। इसका तो कलर ठीक है, बट देखो यहाँ पे स्क्रैचेस है, यहाँ पे इसका तो पूरा हालत ख़राब है। और सब अब हम इस एक्चुअली टैंक का करने वाले हैं, बाकी तो प्रोसेस सेम रहने वाला है। देखो टैंक का हालत देख लो, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। तो देखो ये पूरा स्क्रैचेस से भरा हुआ है। देखो ये पूरा धब्बा, जब जितना भी घिसूंगा ना तब ये जाएगा नहीं, तो ये स्क्रैचेस है इसमें। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको कपड़ा मार लेना है बिल्कुल, इसको जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह ना आप अच्छे से क्लीन कर लो, अदरवाइज ये स्क्रैचेस लग जाएगा। मैंने तो क्लीन कर लिया। अभी वाला जब रबिंग कंपाउंड है, तो चलिए देखते हैं। मैं अभी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, आई होप कि काम कर जाएगा। तो अगर काम करेगा ना तो मज़ा आ जाएगा। तो इस तरीके आपको ये वाला देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ये लेना है, और ये हल्का सा लिक्विड होता है, ठीक है। तो बिल्कुल जहाँ पे आपको लगाना है वो लगा दीजिए, और अब फील करो कि इसमें थोड़ा सा दाना दाना है। तो टैंक को पूरा ही हमने रबिंग कमर से भर दिया है, और बिल्कुल 1-2 मिनट रुकना है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख सकते हैं बिल्कुल गीला गीला है, हल्का सा सूखने के लिए टाइम देना, हल्का सा बिल्कुल 1-2 मिनट, ज़्यादा सूखने के लिए टाइम ना दे तो हो जाएगा। तो जितने भी पार्ट है आपको इस तरह से कर देना है, हाथ से कर दीजिए। और यहाँ पर आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर इसको लेना है ना, तो ये इस तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी हो जाता है, हाथ से भी हो जाता है। तो अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप हाथ से थोड़ा सा बिल्कुल टाइम लगेगा, 10-15 मिनट इसको खींचना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। मैं बोल रहा हूँ हाथ से अगर करोगे। तो ड्रिल मशीन है तो नॉर्मली आप बॉर्डर कर सकते हो किसी मैकेनिक से, तो ड्रिल मशीन करोगे ना वो ईजी हो जाएगा, और काम अच्छी तरीके से होगा। तो हम के पास ड्रिल मशीन है, तो हम इसमें अभी पॉलिशिंग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल स्लो स्लो करना है, जैसे आप स्पीड में करो ना, स्पीड में मत करो, जितना स्लो आप कंट्रोल कर सकते हो इस ड्रिल को उतने हिसाब से करो।
तो आई थिंक इतना काफ़ी है। तो इस पोर्शन को सब हमने आपको दिखाने के लिए किया है बिल्कुल डिटेलिंग में। तो अब इसको कपड़ा मार के क्लीन कर लेते हैं, अब देखते हैं कितना डिफरेंस है। पूरा का टैंक को हमने नहीं किया है, वो बाद में कर लेंगे हम। तो इस पोर्शन को हम कपड़ा मार के देख लेते हैं कितना डिफरेंस। आई थिंक स्क्रैच रिमूव हो गया है। तो ये माइक्रो फाइबर डस्ट को आप किसी भी क्लोथ का यूज़ कर सकते हो, क्लीन करते हैं। तो मैं कहूँगा स्क्रैचेस तो बहुत सारा स्क्रैचेस चला भी गया है, और एक एक्चुअली ये इसका प्रॉब्लम है, ये कैमरे का प्रॉब्लम है। मैं जितने देख पा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह जितना भी था वो 80% चला गया, और जो डीप स्क्रैचेस था ना वो अभी विजिबल है। एक दो और भी रबिंग करने से, दो बार रबिंग करने से ना, तो ये चला जाएगा। तो हाँ, मैं कहूँगा ये प्रोडक्ट का दम है। बाकी पूरा टैंक को अगर आप क्लीन कर लेते हैं पानी वगैरह मार के, तो और भी बढ़िया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पूरा टैंक को इसी प्रोसेस से क्लीन करते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ये जो तो पैड छोटा है ना, ये आपका 3 इंच का पैड है, तो मैं रिकमेंड करूँगा 7 इंच का एटलीस्ट पैड यूज़ करें। तो आपका क्या होगा ना, पॉलिश करने ये करने में पॉलिशिंग करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो अभी दूर से तो चमक रहा है, और भी करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखा दो कि रिजल्ट क्या है। गायब हो चुका है यहाँ पे, जो ये वाला जो डीप स्क्रैच था ना, ये गया नहीं है। बाकी यहाँ पे जो हल्का फुल्का स्क्रैचेस था, बिल्कुल बिल्कुल साइन हो गए। देखो टैंक में अलग से एक साइन आ चुका है, ठीक है। ये लॉन्ग लास्टिंग साइन है, ये नॉर्मल साइन नहीं है। और इसके ऊपर आप नॉर्मल पॉलिशिंग वगैरह करते हो ना, वो भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो और भी साइन बढ़ जाएगा। और ये एक्चुअल साइन, ठीक है, ये कभी धोने पर जाएगा नहीं, ठीक है, नॉर्मल पॉलिशिंग नहीं, क्योंकि हमने इसको घिस घिस के पॉलिशिंग किया है। और इसका देख सकते हो बिल्कुल चमक चुका है, और इसमें थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल आता है, देख सकते हो यहाँ मिट्टी वगैरह। इसको आप पानी से क्लीन कर लो तो हो जाएगा। साइन देखो, पहले से बहुत बेहतरीन साइन आया है। जितना आप अच्छे से करोगे उतना आपका साइन बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डस्ट वगैरह अभी है, इसको पानी से क्लीन करने चला जाएगा। बाकी साइन देखो, आया ना साइन, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा साइन आएगा। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। ये वाला प्रोडक्ट मैंने जो यूज़ किया है, रबिंग कंपाउंड ग्रीन देख सकते हैं, वो एक्सपोल आपका रबिंग कंपाउंड। और इसके साथ ये वाला जो ब्रश है ना, तो आप ट्राई करो कि बहुत बड़ा, मतलब 7 इंच का बड़ा ब्रश यूज़ करो, उसमें आपका पॉलिशिंग करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत ईजी हो जाएगा। मुझे तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, 80% मैं बोलूँगा ये पॉलिशिंग काम करता है। और इस तरीके से आप करोगे मेहनत करके, तो आपका टैंक पूरा बाइक ही चमक जाएगा। ये तो टैंक है ओनली। सो अब आपको क्या करना है, प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉलिशिंग करने के बाद आपको रोज़ सुबह उठ के, फिर जब भी जा रहे हो, एक कपड़ा मारना, नॉर्मल कपड़ा, कोई पॉलिशिंग नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप इसको घिसोगे उतना ही इसका साइन बढ़ता चला जाएगा। कल से आपको ट्राई करना, अभी आप करो, कल से ना ट्राई करना कि सुबह उठ के ना इसको कपड़ा मार देना इस तरीके से, ठीक है, पूरा। तो टैंक ना 2 दिन के बाद और भी चमक जाएगा। और ये जो साइन है वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है, नॉर्मल साइन है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मोटोमैक्स का जो नॉर्मल पॉलिशिंग आता है वो अप्लाई करने से इंस्टेंट साइन और भी आ जाएगा।
तो हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट, देख सकते हो कितना ज़्यादा साइन कर रहा है। अभी आप डिफरेंस कैसे पता कर सकते हो, यहाँ पे देखो ये वाला पैनल देखो, ये नॉर्मल है और ये वाला पॉलिशिंग क्या हुआ है, और ये पॉलिशिंग लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब आपका एक महीना दो महीना मतलब जितना चाहो चला सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, सुबह उठ के ना एक बार कपड़ा मार देना इस तरीके से, कोई पॉलिशिंग यूज़ नहीं करना, नॉर्मली कपड़ा मार देना। जितना ज़्यादा पॉलिशिंग करोगे, ये रबिंग कंपाउंड है तो साइन बढ़ता चला जाएगा। और ये आपका बजाज बॉक्सर, इसका काम तो हो रहा है। कल मैंने एक ये वाला साइड पैनल बनाया था इसको वेल्डिंग करके, तो इसका कलरिंग का प्रोसेस सर बाकी सब कुछ हो गया। कलरिंग का प्रोसेस मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसको मतलब मशीन भी नहीं है, इसलिए मैं इसको पेंडिंग रखा हूँ। अदरवाइज सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, सब कुछ फिट एंड फिनिश है। टैंक हम रेडी करने वाले हैं, बट टैंक का हालत बहुत ख़राब है, न्यू टैंक लगाएंगे हम। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो ख़त्म होता है, देख लो। सो गाइस, आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, और आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे चला लाल का बटन है, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ये वाला टेक्निक आप घर पर यूज़ करो। आशा करता आपको सेटिस्फेक्शन रिजल्ट अभी आपके मतलब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रिल में से नहीं है, पता नहीं ड्रिल में से नहीं है, आप बॉर्डर कर सकते हो या फिर आप हैंड से पॉलिश कर सकते हो हाथ से, और उसमें मिनिमम आपको 15-20 मिनट मेहनत करना पड़ेगा, तभी इसका ऐसा साइन आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।